हेलो दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं दोस्तों। और वो टॉपिक है आपके बहुत ही मेहनत से कमाए हुए पैसों के ऊपर। दोस्तों, हर जगह आपने देखा होगा एक थंब रूल होता है, बेसिक रूल होता है। आप किसी भी फील्ड में देखेंगे सक्सेस का एक रेशो फिक्स होता है। आप कितना भी करें, इतने लोग काम करेंगे, इतने लोग सक्सेसफुल होंगे, ये एक रेशो वर्क करता है। लेकिन एक जगह है जहां पर 100% रूल फॉलो होता है, यानी इस फील्ड को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। यहां पर अगर 100 लोग पैसा लगा रहे हैं तो 100 के 100 लोग बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे ऐसा होता क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से लोग क्या ऐसी 5 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि जिससे वो बहुत बड़ा पैसा बनाते बनाते रुक जाते हैं। वो 5 मिस्टेक्स अगर आप समझ गए दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे, आप यहां पर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये 5 बेसिक रूल्स क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिन्होंने 16 साल में 18 गुना तक रिटर्न किया। यानी 10 लाख रुपए अगर आपने लगाए हैं तो 16 साल में उस 10 लाख की वैल्यू 1.80 करोड़ से भी ऊपर हुई। लेकिन वहां तक सिर्फ 3% लोग पहुंच पाए, जबकि 100 के 100 लोग पैसा लगा रहे हैं तो 100 के 100 लोगों का पैसा 18 गुना होना चाहिए था, लेकिन वो थंब रूल को फॉलो नहीं कर पाते थे। क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं? तो जो सबसे पहली 5 मिस्टेक्स में से एक सबसे पहली मिस्टेक है वो है, देखिए मैंने आपको जो पहले भी रूल्स बताए हैं उसमें से ये रूल्स कहीं ना कहीं मैच होते होंगे, लेकिन कई बार हमने उसको सीरियसली लिया नहीं था। लेकिन अभी मैं आपको फिर बताता हूं, ये 5 रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं 100 के 100 लोग बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन, पहला जो रूल है। यानी हम लोग अभी भी बाप दादाओं के परदादाओं के ज़माने में जो थंब रूल बनाए गए हैं, वो जो कंफर्ट जोन उन लोगों ने बना दिया है, उस कंफर्ट जोन में ही जी रहे हैं। मतलब हमारे बाप दादा पुरखे लोग जो है FD कर देते थे, पैसा आता था, सिर्फ दिमाग में कहीं नहीं जाता FD ले लो, बीमा पॉलिसी ले लो, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा दो। ये सारी जो बेसिक थंब रूल थे ना, ये उस जमाने के बाप दादाओं के परदादाओं के ज़माने के, उस पर हम लोग वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमको बाहर की दुनिया पता ही नहीं है कि क्या मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, क्या दुनिया चेंज हो रही, कहाँ लोग कितना फास्ट पैसा बना पा रहे हैं, ये इसके क्या क्या तरीके मार्केट में मौजूद हो चुके हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है। इस वजह से हम वो कम्फर्ट जोन में जी रहे हैं और हम अपने पैसे को डंप कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, सड़ा देते हैं। जी हाँ, राइट। तो पहला जो चीज है, स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन। सेकंड चीज है लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस मतलब आपके पास में पेशेंस नहीं है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास में थोड़ा सा पेशेंस नहीं, हम तुरंत करोड़पति बनने की प्लानिंग करते हैं। उसमें क्या गड़बड़ करते हैं शुरुआत में, कि एक तो डेली पोर्टफोलियो चेक करना और साथ में जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है उसको हम उससे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। जैसे सपोज करो कि एक तो हम लोग ने कुछ पैसा लगा दिया, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, कहीं स्टॉक्स में पैसा डाला, तो हम डेली उसको चेक कर, डेली सुबह उठते हैं आज कितना हुआ डेली चेक करते हैं और उससे हम टेंशन में आ जाते हैं। कभी कम होती है वैल्यू, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो उससे हमको टेंशन आना शुरू हो जाता है कि कहीं मेरा पैसा ब्लॉक तो नहीं, कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं गया है, हमको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि हम प्लॉट खरीदते हैं तो क्या रोज चेक करने जाते हैं? हमने कहीं पर बीमा पॉलिसी 20 साल की ले ली, आप उसको डेली चेक करने जाते हो क्या कि आज कितना हुआ, कल कितना हुआ, परसों कितना हुआ? तो हम उसको रेंडमली चेक करना शुरू कर देते हैं डेली बेसिस पर। हम उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और डेली चेक कर, एक तो ये गड़बड़ करते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती है, मार्केट हमेशा वोलेटाइल होता है, एक जैसा नहीं चलेगा, तो कभी मार्केट ऊपर हुआ तो हम फिर से पोर्टफोलियो चेक करते, ओहो हमारा पैसा वैल्यू इतना बढ़ गया है, मुझे कुछ निकाल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, मार्केट डाउन हो गया और इमीडिएट वरीड हो जाता। तो वो शॉर्ट टर्म जो वोलेटिलिटी है उसके ऊपर हमारा जो रिएक्शन होता है ना, बहुत फास्ट होता है। हमने सोचा ही नहीं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो कितना बड़ा होगा, हम शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इन्वेस्ट कर दिया, आप आंख बंद करके सो जाओ कुछ सालों के लिए, भूल जाओ, उसको रोज चेक करने की जरूरत नहीं है। और शॉर्ट टर्म जो हम मार्केट में न्यूज़ें देखते हैं उसको देखकर बहुत जल्दी रिएक्ट करना नहीं है हमको।
इसके बाद में तीसरा जो है लेटिंग यूर इमोशंस रूल। देखिए हमारे इमोशंस पर हमको कंट्रोल करना है, हमें हम बहुत इमोशनल होते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत जल्दी रैंडम सजेशंस जो आते हैं मार्केट के अंदर या जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मार्केट में कुछ सजेशन आया, कोई यूट्यूबर ने कोई सजेशन दे दिया कि आपको यहाँ डालना चाहिए, मार्केट में कभी हम लोगों ने कहीं न्यूज़पेपर देख लिया उसको इमीडिएट रिएक्शन कर लिया कि हमको यहाँ डालना चाहिए, या लेटेस्ट ट्रेंड जैसे चल रहे हैं तो उस ट्रेंड के हिसाब से हम भी चलना शुरू करते हैं। जैसे अभी आजकल बहुत लोगों ने ट्रेंड सुना क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, तो हमने क्या करा फटाक से अपना सब कुछ छोड़ा, क्रिप्टो में पैसा लगाना शुरू कर दिया सब कुछ छोड़ छाड़ के। फिर कभी ट्रेंड आया कि यार प्रॉपर्टी बहुत बूम कर रही है, प्रॉपर्टी में एंट्री करना चाहिए, मैंने बेवकूफी कर दी, मैंने प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाया यार, मुझे भी प्रॉपर्टी में एंट्री करना चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा ट्रेंडिंग आपने कहा कि फलानी फलानी कंपनी के शेयर ने बूम कर दिया, अगर आपने थोड़े टाइम पहले इसमें पैसा लगा लिया होता तो आज आप भी करोड़पति होते। तो हमने सब कुछ बेच बाज के सब कुछ छोड़ छाड़ के शेयर में पैसा लगाना शुरू कर दिया, गोल्ड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो हम लोग क्या प्रॉब्लम होती है कि गोल्ड ने कभी अच्छा परफॉर्म किया, उसका ट्रेंड आ रहा है, बार बार ट्रेंडिंग में है गोल्ड गोल्ड गोल्ड, तो हमने गोल्ड में पैसा लगाना। हम लोग अपना कुछ अकल नहीं लगाते, हम लोग अपना कुछ समझ नहीं लगाते, हम लोग अपने एडवाइजर से सलाह नहीं करते, हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर इमीडिएट रिएक्शन कर लेते हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। और फिर हम बोलते हैं मार्केट को दोष देते हैं कि हमारा पैसा खत्म हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। जब भी आप ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग चीज पर पैसा लगाओगे आप पैसा बना नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रेंडिंग ही चीज तब आती है जब उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाती है, तब वो चीज ट्रेंड करना शुरू करती है और आप हाई वैल्यू पर कोई भी चीज परचेस करोगे आप लॉस में जाओगे, हमेशा बर्बाद होगा, पैसा खराब होगा आपका। तो ट्रेंडिंग चीजों के ऊपर आप कभी भी या छोटे मोटे लोगों के सजेशंस के ऊपर इमीडिएट रिएक्शन करना तुरंत बंद करना होता है। फिर चौथा चीज जो है वह है इन्वेस्टिंग मनी दैट यू माइट नीड। हम अपनी जो ज़रूरत का पैसा है उसको इमीडिएट इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर मुझे अभी उस पैसे की ज़रूरत है, बच्चे की शादी करनी है, इमीडिएट कुछ काम है उस पैसे का, और हमने उस पैसे को कहीं पर लगा दिया इमीडिएटली, अब वो पैसा कहीं भी आप लगाओगे इमीडिएट रिकवरी नहीं देगा। या किसी ने कह दिया तू तो यहाँ लगा दे, एक साल बाद तेरा इतना पैसा हो जाएगा, और आपका पता चला वो बढ़ने के बजाय घट गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमेशा नुकसान होने की संभावना होती है। अब आपने वो जरूरत का पैसा वहां लगा दिया है। या कई बार लोग लोन पर आपने ट्रेंडिंग चीज देख ली कि यार ये तो चीज बहुत ट्रेंड कर रही है, यहां से 20% मार्जिन मिल रहा है, यहां पर 25% और मुझे लोन 8% पर मिल रहा है, मैं 8% का पैसा उठाकर प्रॉपर्टी में कई लोग डाल देते हैं, कोई जमीन खरीद लेते हैं कि यार यहां रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा, या गोल्ड परचेस कर लेते हैं या स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, और वो वहाँ पर सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, अपनी ज़रूरत का पैसा या लोन पर पैसा जो लेकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये गलती बहुत सारे नए लोग कर डालते हैं जिनको पता नहीं होती, इस वजह से वो पैसा नहीं बना पाते जितना बनाना चाहिए। और पांचवा इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेग्लेक्टिंग टू स्टार्ट और कंटिन्यू। हम शुरुआत करने के लिए बहुत सोचते हैं, हम बहुत इधर उधर से राय लेना, इधर हम अपने एडवाइज़र पर भरोसा किए बिना शुरुआत करने को टाल मटोल, जिसकी ज़रूरत होती है हमको इमीडिएट, जितनी जल्दी शुरू करेंगे जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे और जितना लॉन्ग टर्म तक टिकेंगे, ये एक बेसिक थंब रूल है। जल्दी स्टार्ट करना और लॉन्ग टर्म तक के टिके रहना, आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। तो हम क्या होता है शुरुआत करने में बहुत टाल मटोल कर देते हैं और हम उसको बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं। कोई अगर आपको बोलता है कि यार ये इसमें शुरू करना चाहिए, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसको कंटिन्यू रखने में भी आप बहुत टाल मटोल करते हैं। कई बार उसको शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी से आपको कुछ पैसा, आपने लॉन्ग टर्म का गोल बनाया, शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लिया। इस वजह से मैंने जो शुरुआत में बोला था कि कई सारे लोग 97% लोगों ने 10 लाख की वैल्यू को 1 करोड़ 80 लाख रुपए में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी में थोड़ा बहुत बढ़ा निकाल लिया है ना। तो वो 3% लोग जो टिके रहे लॉन्ग टर्म तक, उन्होंने 18 गुना पैसा किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ये पांचों जो मैंने आपको थंब रूल बताए हैं, अगर आप ये गलतियां ना करें, मैं आपसे वादा करता हूं 100 लोग पैसा लगाएंगे, 100 के 100 लोग यहां पर पैसा बना सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, SIP के जरिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। बॉन्ड्स में कब पैसा लगाना चाहिए आपको, डेट फंड में कहाँ कब पैसा लगाना चाहिए आपको, 6 महीने के लिए पैसा रखना है तो कहाँ रखना चाहिए, साल भर के लिए रखना है तो कहाँ रखना चाहिए, इनकम टैक्स सेविंग करना है तो आपको क्या ऑप्शन है, सिर्फ वही RD FD और LIC से ही काम नहीं होता, उससे अच्छे ऑप्शन मौजूद है मार्केट के अंदर। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कब आपको किस जगह पैसा लगाना चाहिए,
इसके लिए आपको सही एडवाइज़र आपका अगर है तो आप उसके पास जाइए जो पूरी तरह से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो। अगर नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। एनी टाइम आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको हमारे यहाँ से प्रॉपर सलाह आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आपको, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं वहाँ पर बैठे बैठे आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना हो, चाहे मेडिक्लेम से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, किसी भी तरह मेडिक्लेम है, टर्म प्लान है, इंश्योरेंस है या म्यूचुअल फंड्स हैं, SIPs हैं, जो भी आपको प्लानिंग करनी हो उसके लिए, और आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कुछ सलाह लेनी है या आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, किसी म्यूचुअल फंड से पैसा निकल नहीं पा रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा फंस गया है या कुछ भी आपने गलत तरीके से सलाह लेके आपने इन्वेस्ट कर लिया हो, अब उसके बारे में आप समझना चाहते हैं, एनी टाइम यू कैन कॉल, आप हमें बात कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।